हेलो फ्रेंड, आज मैं नमकीन बनाई हूँ। एक कढ़ाई में 1.5 गिलास पानी डालें, उसके ऊपर जाली रखें, एक कपड़ा बिछा दें। अब मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ 1 कटोरी। गैस को ऑन रखी हूँ मीडियम। मैदा को कपड़ा से ढक दें। अब ऊपर से ढक्कन से ढकें। अब इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद, ठंडा होने के बाद, मैं इसे निकाली हूँ। मैदा जम चुका है। अब इसे छन्नी से छान दें। इसमें गांठ नहीं होना चाहिए। हाथ से मसल कर चूरा कर लें। इसका नमकीन बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों। इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता है। मैं इसमें मोइन भी नहीं डालूंगी। बिना मोइन का ये नमकीन बनता है। इसको साउथ में चकरी बोला जाता है। अब इसमें आधा चम्मच कलौंजी, सफ़ेद तिल 1 चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिलाएं। ये देखिए दोस्तों, ये सॉफ्ट मैंने इसका डो बनाया है। मैदा में लस नहीं है। ये देखिए, मैदा में बिल्कुल लस नहीं है। ये देखिए, मैं इसी का नमकीन बनाऊंगी, चकरी। अब एक सेव बनाने वाला बर्तन ले लें। गूथा हुआ मैदा डालें। ऊपर से ढक्कन बंद करें। ये बहुत जल्दी बन जाता है दोस्तों। ये देखिए, मैं इस तरह से बना रही हूँ। इसका मुंह दाब दें ताकि खुले नहीं। इसी तरह से बनाऊंगी।
ये मेरा इतना बना है, एक कटोरी मैदा से। अब एक पैन में तेल को गरम करें अच्छी तरह से। तेल अच्छी तरह से गरम होना चाहिए। एक एक करके सब डालें। इसको बनने में 3 मिनट लगता है दोस्तों। ये देखिए अपने आप ऊपर आ गया है। अब एक एक करके पलट दें। इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है। मैंने मोइन में भी तेल नहीं डाले हो। फ्राई करने में भी तेल नहीं लगता है ज़्यादा। खाने में भी बहुत टेस्टी रहता है। एक बार इस तरह से बनाएं त्योहार में। ऐसा चकरी बनाने में कोई झंझट नहीं है। ये बनकर तैयार हो गया है। हल्का गुलाबी हो गया है। अब इसे मैं निकाल रही हूँ। चकरी बनाने के लिए स्लो गैस नहीं चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये बनकर तैयार हो गया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। एक बार ज़रूर इस तरह से बनाएं मैदा का। इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता है। खाने में भी बहुत टेस्टी है, कुरकुरा भी है। और एक बार ज़रूर बनाएं त्योहार में। धन्यवाद।